टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज क्वाड्रिलेटरल्स। देखिए ऑल्दो क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ, वो पॉलीगन जिसकी फोर साइड्स होती है उसे हमने नाम दिया है क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, द डायग्राम ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, लेट्स सपोज ए बी सी डी, योर ए बी सी डी इज क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, नाउ बिफोर स्टडी क्वाड्रिलेटरल्स लेट मी टेल यू फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, फाइव प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर, यू मस्ट लर्न इट कि क्या प्रॉपर्टीज होती हैं क्वाड्रिलेटरल्स की। द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टीज। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, प्रॉपर्टीज की। द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी इज अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, अपोजिट साइड कौन सी थी किस फिगर में, ए बी और डी सी। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। ए बी इज इक्वल टू डी सी कॉमा ए डी इज इक्वल टू बी सी। दिस इज द नंबर वन प्रॉपर्टी, राइट। नाउ नेक्स्ट इज एंगल। अपोजिट एंगल आर इक्वल। अपोजिट एंगल आर ऑल्सो इक्वल। अब देखिए अपोजिट एंगल कौन से हैं यहाँ पे, ए के अपोजिट कौन है सी और बी के अपोजिट कौन है डी। तो ए विल बी इक्वल टू सी, यहाँ पे देखिए ए विल बी इक्वल टू सी एंड बी विल बी इक्वल टू डी। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी इज सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल is 180. Sum of any two adjacent angle is 180. अब adjacent क्या होता है, आसपास के जो angles, जैसे AB दोनों adjacent है, BC दोनों adjacent angle है, CD adjacent and DA also adjacent. तो इन सब adjacent angles का जो sum होता है वो किसके equal होता है, 180. कैसे, जैसे A और B adjacent है तो angle A plus angle B, sum किसके equal होगा इन दोनों का, 180. ठीक है, बी प्लस सी 180, सी प्लस डी 180 एंड सिमिलरली डी प्लस के दैट इज अगेन 180. ठीक है, तो दिस इज द नंबर थ्री प्रॉपर्टी। नंबर फोर सम ऑफ ऑल एंगल, दैट इज द एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, सम ऑफ ऑल एंगल्स, आपको पता होगा सम ऑफ ऑल एंगल इज 360 डिग्री। ठीक है, क्वाड के सभी एंगल्स का सम क्या होता है, 360 डिग्री। एंड लास्ट प्रॉपर्टी इज डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, क्या मतलब है इसका, डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर, इस क्वाड्रिलेटरल के डायगनल्स क्या होंगे, टू कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन, this one, this is AC and BD, this is the diagonals. ठीक है, अब ये diagonals इस point पे intersect कर रहे हैं, let's say it is O, तो diagonals bisect each other, इसका मतलब क्या है कि AO will be equal to OC and BO will be equal to OD, मतलब दोनों diagonals एक दूसरे को bisect करते हैं और equal equal part में divide हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, AO is equal to OC, AO is equal to OC and BO is equal to OD, right? So this is a few properties of quadrilaterals. Next we are going to discuss types of quadrilaterals. Basically we are going to discuss three types of quadrilaterals: trapezium, parallelogram and kite. ठीक है, trapezium. ठीक है, सबसे पहले trapezium की बात करते हैं. This is a figure of trapezium, this one. This is your trapezium. ठीक है, क्या होता है trapezium, in which one pair of sides are parallel to each other, parallel to each other, that is AB is equal to CD, right? Next parallelogram, क्या होता है parallelogram, in which two pair of opposite sides are parallel, जैसे मैंने ये figure बनाया, this one and this. ठीक है, इन विच सपोज इट इज ए बी सी डी, टू पेयर्स ऑफ अपोजिट
sides are parallel. Means AB parallel to DC, AB parallel to DC and AD parallel to BC. AD parallel to BC. ठीक है, this one, right? ठीक है, तो ये trapezium and next thing about parallelogram is कि parallelogram की जो diagonals होते हैं वो भी bisect करते हैं. ठीक है, जैसे ये diagonals हैं, this one and this one. तो these two diagonals bisect each other. It means पहले हम लिख देते हैं diagonals bisect each other. Diagonals bisect each other means AO is equal to OC and BO is equal to OD. Diagonal bisects करते हैं, right? Next is third parallelogram, that is kite. Kites are special type of polygon in which adjacent sides are equal. ठीक है, let's suppose this is a kite. तो मैंने kite का diagram बनाया है. ठीक है, kite में देखिए जो adjacent sides है, adjacent sides means suppose this is A, B, C, D. तो AB और BC दोनों क्या है? Adjacent sides. ठीक है, ऐसे ही AD और CD ये भी क्या है? Adjacent sides है. तो इस kite में adjacent sides equal होती है, right? तो इसकी क्या property है? Adjacent sides are equal. ठीक है, means AB is equal to BC and AD is equal to CD. So this is a kite. We have to discuss the last topic of this chapter from introduction video, that is some special type of parallelogram. ठीक है, हमें कुछ special categories के parallelogram पढ़ने हैं. Very first category is rhombus. ठीक है, जैसे मैं अगर figure की बात करूँ तो this one is figure, this one. ठीक है, this is a rhombus. रोम्बस में क्या होता है? सारे जो साइड्स हैं, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन. सपोज दिस इज ए बी सी डी. तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी. तो सारी साइड्स क्या होती है? इक्वल. बट ये जो सारे एंगल्स हैं, ठीक है, एंगल ए बी सी डी, ये सारे एंगल्स आपस में इक्वल नहीं होते. तो दिस इज रोम्बस. क्या होते हैं? ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल angles are not equal, its diagonals bisect each other. Diagonals bisect each other. इसके भी diagonals आपस में bisect करते हैं. क्या मतलब है इसका? कि suppose this is O, so CO is equal to OA and DO is equal to OB. ठीक है, this is the three properties of rhombus. ठीक है, इससे ज्यादा हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम इतना डीप में से नहीं स्टडी करेंगे. नेक्स्ट इज योर रेक्टेंगल. ठीक है, क्या होता है रेक्टेंगल? इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. ठीक है, जैसे रेक्टेंगल के बारे में आप सब जानते हैं, दिस इज द रेक्टेंगल. रेक्टेंगल में क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड parallel. ठीक है, both sides are equal and parallel. Second property, all angles are equal. ठीक है, means A, angle B, angle C, angle D, angle A, चारों angles क्या होंगे? Equal होंगे, 90 degree. ठीक है, this is rectangle. Again, इसके भी जो diagonals हैं, वापस में bisect करते हैं. ठीक है, now the third one is square. स्क्वायर आप सबको पता होगा, दिस इज अ स्क्वायर. ठीक है, एज आई सेड रोम्बस स्क्वायर में क्या डिफरेंस है? कि इसमें भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं बट एंगल्स भी इक्वल होते हैं. ठीक है, इसके भी डायगोनल्स क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं, राइट? सो ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड diagonals bisect each other. Diagonals bisect each other. ठीक है, suppose this is AB, CD. So AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA and
एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल डी और डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं मीन सपोज दिस इज ओ सो एओ इज इक्वल टू ओसी एंड बीओ इज इक्वल टू